हेलो फ्रेंड्स, द वेजकरी मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं उपवास स्पेशल रतालू फिरनी। नवरात्रि आ रहे हैं तो एकदम परफेक्ट है ये उसके लिए, और इसके इंग्रेडिएंट्स आपकी स्क्रीन पे हैं, साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये है खजूर, करीब करीब 20 ग्राम। उसको हम हल्का सा वार्म मिल्क यानी कि गुनगुने दूध में भिगो के रख देंगे जब तक कि वो नरम नहीं पड़ जाते, और जब नरम पड़ जाए तो इस तरह दूध के साथ ही उसको मिक्स करके मिक्सी में अच्छा सा एक पेस्ट बना लेंगे। ये ड्राई फ्रूट से हमारे कट किए हुए, इसमें बादाम, काजू और स्पेशली अखरोट हमने बारीक चॉप करके रखा है। ये हमने घी लिया हुआ है जिसमें हम आगे का प्रोसेस करने वाले हैं। केसर के धागों को पानी में भिगो के रख दिया। ये इलायची पाउडर है, और ये हमारा दूध जो कि मैंने अभी आपको बताया, हम खजूर के साथ जिसको पीस के हमने रेडी करके रखा है। और ये है हमारे रतालू यानी कि स्वीट पोटैटो। कलर पे मत जाइए, जहाँ हम बना रहे हैं ये रेसिपी वहाँ इसी तरह के स्वीट पोटैटो अवेलेबल है, इसीलिए हमने ये यूज़ करे हैं। बाकी जो हमारे नॉर्मल वाइट वाले हैं आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। बिलीव मी, डिश उतनी ही खास बनेगी। सबसे पहले ये जो रतालू है जिनको बॉईल करके हमने मैश करके रखा है, उसको घी में अच्छे से सेंक लेना है। अच्छे से आप रोस्ट कर लीजिए उसको। जब सिक जाए तो जो हमने खजूर वाला दूध बना के रखा था ना, उसको मिला लीजिए। इस डिश की स्पेशलिटी है कि ये बहुत हेल्दी है, क्योंकि यहाँ पे शुगर नहीं यूज कर रहे हैं, हम शक्कर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं मिठास के लिए खजूर। आप चाहें तो शक्कर भी यूज कर सकते हैं। और ऐसी इनोवेटिव रेसिपीज के लिए वेज करी मंत्रा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, जब दूध डालने के बाद अच्छे से ये उबलने लग जाए, तब हम फ्लेवरिंग एजेंट यानी कि जो हमारा केसर है, इलायची का पाउडर है, वो सब डाल देंगे। थोड़ा सा केयरफुल रखिए, क्योंकि जब बबल फूटते हैं तो थोड़े बाहर की तरफ छलक के आते हैं। आपको सब कुछ लो फ्लेम पे करना है। ये अच्छी तरह से हमने मिला लिया। इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, ये रतालू फिरनी की, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हम ये आपको दिखा रहे हैं कि हम कैसी कंसिस्टेंसी रख रहे हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है। हर टाइम जब फास्ट होता है तो हम नॉर्मली साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना बड़े, ये सब तो खाते ही हैं। ये एक नई डिश हो जाती है, साथ ही ये काफ़ी हेल्दी है, खाने में भी आपको अच्छी लगेगी, और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और स्वीट पोटैटो होने की वजह से आपको फिलिंग भी लगेगा खाने के बाद। और ये गए हमारे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में भी आप अपने वेरिएशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेन है अखरोट। उससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है, खाने में बहुत बढ़िया लगते हैं। बिलीव मी, आप जब भी बनाइए अखरोट जरूर इंक्लूड कीजिए। ये सारे हमने ड्राई फ्रूट्स यहाँ डाल दिए हैं। अच्छी तरह से एक बार इसको मिला लेंगे। कुछ देर बस हमको और रखना है, और हमारी गर्मा गर्म रतालू फिरनी तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनती है। देखिए, आप चाहें तो गर्मा गर्म खा सकते हैं, ये स्वीट डिश है तो आप इसको फ्रिज में रख के थोड़ा ठंडा रख करके भी खा सकते हैं। यहाँ हमने काजू और अखरोट से गार्निशिंग की है। आप भी बनाइए, इंजॉय कीजिए, और हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये डिश कैसे लगी। आपके फीडबैक का हमें ज़रूर इंतज़ार रहेगा। देखिए, इसको ट्राई करके इसकी खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। देखिए कैसे अभी भी गर्मा गर्म धुआं निकले जा रहा है। लवली रेसिपीज, और ऐसी ही बढ़िया बढ़िया रेसिपीज के लिए द वेज करी मंत्रा के साथ बने रहिए। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।